छोटे बच्चों की इंग्लिश सीखने की कड़ी में आज देखिए दिस और दैट का प्रयोग। ये दिस है और ये दैट है। इसकी पहले मीनिंग समझिए क्या होता है। दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। ये निर्जीव वस्तुओं के लिए है कि जैसे अपने पास में कोई चीज है तो हम उसको कहते हैं यह, और जब हमसे दूर कोई चीज होती है तो उसको कहते हैं वह। अब इसमें दिस मीनिंग होती है हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इज। देखिए यहां पर दिस के साथ भी इज होगा और दैट के साथ भी इज होगा। साधारण वाक्यों में जिसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं कि वह पेन है, वह मेरा मेरी पुस्तक है, यह और वह। जब पास में कोई चीज है तो दिस, कोई चीज दूर में है तो वह। वह इशारा जिसमें किया जाता है कि वह यह। तो इसको ध्यान में रख करके इस हम लगाते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहां पर हम जैसे ये मेरी पुस्तक नहीं है, यह मेरी पुस्तक नहीं है, ऐसे लिखा होगा। तो जब यह की इंग्लिश लिखेंगे पहले, फिर दिस हो गया और इज तो लगना ही है, इज हो गया। नॉट लिखेंगे क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, नॉट माई बुक। इस तरीके से ये ट्रांसलेशन आपको मिलेगा। अब जैसे यहीं पर वह लिखा होता तो हम यहां पर केवल दिस की जगह दैट लिख लेते तो ये दैट हो जाता। तो दूर के लिए जब वह कहीं लिखा होगा तो हम दैट लिखेंगे, और पास में है कोई चीज तो उसके लिए दिस लिखेंगे। और आगे आप समझ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव के नियम आपको पता है। इंट्रोगेटिव जब होता है, जब क्या पहले लिखा होता है तो इस पहले आ जाता है, क्या यह पेन है तो इज दिस पेन, ऐसे करके जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा। और अगर ये क्वेश्चन वाला शब्द बीच में है तो उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा और फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। इस तरीके से पिछले वीडियो में मैंने सब डाला हुआ है। मेरे चैनल पर जाइए, उसमें देखिए प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए, उसमें इंग्लिश में सिखा रहा हूं, इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट चलाइए तो इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं ये सब मैं सिखा रहा हूं बारी बारी से, छोटी छोटी चीजों को, उसको सीखते रहिए। छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है इस चीज को सीखना, क्योंकि बड़े होने पर ये चीजें सीखी नहीं जा सकती, बस याद रख करके किया जाता है। तो आइए फिर देखिए, अब सेंटेंस कुछ बनाने का प्रयास कीजिए कि हम दिस दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। अब जैसे ज्यादा लोग हों तो इसी दिस की जगह दीज लिखेंगे, ये सब जैसे होता है तो दीज आर लिखा जाता है, और वो दूर जो बहुत सारी चीजें होंगी तो उसके वहां पर लिखेंगे दोज। आर, ये दोज आर और इधर दीज आर हम लिखते हैं। तो ये सेंटेंस आप बना पाएंगे, इसमें निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। हर तरीके से इनके इन्हें आपको सीख ही लेना है, बाद में इसे सीखने का वक्त नहीं मिलेगा। तो लीजिए लिखिए, पहला सेंटेंस लिखिए, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दैट इज अ बिल, दैट इज अ बिल। सब हिंदी में चेंज करना है। तीसरा लिखिए, दैट इज अ बोट। फिर फोर्थ लिखिए,
दिस इज नॉट अ बिस्कुट, दिस इज नॉट अ पेन। फाइव लिखिए, दिस इज नॉट अ डेस्क, दिस इज नॉट अ डेस्क। ये फाइव सेंटेंस दिस और दैट के प्रयोग से हैं। अब इसी तरीके से दीज वाले खुद बनाइए और उन्हें कीजिए। अब नोट कर लीजिए और उसके बाद अब लिखिए इनटू इंग्लिश के लिए, इनटू इंग्लिश। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस लिखिए। यह ऊंट है, यह ऊंट है। वह एक बत्तख है, वह एक बत्तख है। वह दवात नहीं है, वह एक दवात नहीं है। यह अलमारी नहीं है, यह एक अलमारी नहीं है। और वह हाथी नहीं है, वह हाथी नहीं है। ये सेंटेंस केवल दिस और दैट के प्रयोग वाले हैं। अब आगे कुछ दीज और दोज वाले भी ट्रांसलेशन नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूं। दीज और दोज वाले क्वेश्चंस कल बताएंगे, आज इसी में अभी इंट्रोगेटिव भी बोलना बाकी रह गया है तो उसको ही समझ लें आज, है ना। तो देखिए जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें क्या यह पुस्तक है, तो क्या उनको भी ट्रांसलेट करना है, तो नोट कर लीजिए। और आपको करना आ रहा है, नहीं आ रहा है तो घर में किसी से पूछिए, मेरा पिछला वीडियो देखिए। क्या यह एक पुस्तक है, क्या जिसमें आगे लगा हुआ है, क्या यह एक पुस्तक है, इसको ट्रांसलेट कीजिए। फिर क्या वह एक संतरा है, क्या वह एक संतरा है। क्या वह साफ पानी है, क्या वह साफ पानी है, क्या वह साफ पानी है। वह क्या है, यह पुस्तक किसकी है, किसकी है।
इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी करने हैं। बस ये ध्यान रखना है इसमें क्या पहले लिखा हुआ है, इनकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगी, पहले होती है, और जिसमें क्या या किसकी ये लिखा बीच में लिखा हुआ है तो इसकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है। और फिर सेंटेंस जैसे बनाते आए हैं वैसा ही बनाइए। और कल मैं आपको दीज और दोज से संबंधित कुछ बातें और बताऊंगा और उससे संबंधित होमवर्क दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटे बच्चों को दिखाते रहिए। धन्यवाद।